नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहां हरियाणा के नूह में पत्थरबाजी ने उग्र रूप ले लिया है, लगभग 4 जिलों तक फैल गया है। इधर हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान ये बवाल अब केंद्र की तरफ से पैरल मिलिट्री की 8 बटालियन भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक 5 जिलों में धारा 144 लगा गई है और 2 जवानों की मृत्यु होना सामने आ रहा है, बल्कि 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी है। जानकारी के मुताबिक यहां पर भगवा यात्रा पे पथरावबाजी के बाद जमकर विवाद हुआ और देखते ही दादा ज्यादा बढ़ गया। पैरा मिलिट्री फोर्स से मोर्चा संभाल लिया है। नूह में पैदा हुए हालात को देखते हुए एहतियात नूह सहित 5 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। नूह, फरीदाबाद और पलवल में 1 अगस्त को तमाम शिक्षण संस्थान कोचिंग सेंटर को बंद रखने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जमकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, स्कूल बस को भी आके हवाले कर दिया। साथ ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा को नूह में रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 1 और 2 अगस्त को होनी थी। क्षेत्र में अमन शांति बनाने को लेकर यहां पर सीएम ने समाज की बैठक पर वीडियो जारी किया है। बता दें कि सोमवार हिंसा के दौरान अगजनी में करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ है, 40 से ज्यादा गाड़ी फूंक गई है। सरकारी कार्यालय, पुलिस थानों पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। अब यहाँ पर RPF और बताया जा रहा है कि CRPF की यहाँ पर पुलिस प्रशासन की फोर्स तैनात की गई है, जांच की जा रही है। जय हिंद दोस्तों।